वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ आकांक्षा तिर्की एंड मेरा चैनल बेस्ड है क्रिएटिव थिंग्स एंड आर्ट वर्क्स पे। तो यस, आई एम बैक बहुत दिनों के बाद। आप में से ही बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही हूँ, कहाँ हूँ, किधर हूँ। एक्चुअली मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही थी, इसलिए मैं इतने दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट नाउ आई एम बैक। तो सबसे पहले आप सबसे मैं पूछना चाहती हूँ, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ, अच्छे से हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। चलो इधर उधर की बातें छोड़ो, कमिंग बैक टू द वीडियो। आज मैं ऐसी रैंडमली कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठा के उस पर पेंट करने वाली हूँ। लेट्स सी द रिजल्ट, उसके बाद वो क्या बनता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो आज हम यहाँ पे रैंडमली कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेके उस पर पेंट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे स्वीट के बॉक्स का कवर ले लिया, आज हम इसी पे पेंट करने वाले हैं। मैं अपने घर पे रैंडमली कोई भी ऑब्जेक्ट ढूंढ रही थी जिस पे मैं पेंट कर सकूँ, और मुझे ये मिला। तो सबसे पहले मैंने इस पे एक वाइट कलर की कोटिंग डाल दी। आप चाहे तो एक्रेलिक पेंट यूज़ कर सकते हैं या फिर जसो वाइट, कुछ भी बेस देने के लिए। जब मैं इसे ड्रॉ कर रही थी मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। पहले मैं सोची कि कुछ फिश बना लूँ, मधुबनी आर्ट टाइप्स या फिर मिथिला पेंटिंग टाइप्स कुछ बना लूँ। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मंडला ही आर्ट कर लेती हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, लेट्स ट्राई सम मधुबनी आर्ट। तो मैंने ये फिश यहाँ से बनाई, फिर यहाँ से कुछ ब्रांचेस टाइप्स निकाल दिया, कुछ लीव्स फ्लावर्स बनाने के लिए वहाँ पे। आप सोच रहे होंगे मैंने फिश ही क्यों चूज़ की इसे बनाते वक्त। एक्चुअली मेरे सामने मेरा एक्वेरियम था, तो मैंने वहाँ पे फिश देखी एंड मुझे लगा कि मुझे फिश बनाना चाहिए, तो लो मैंने बना दिया। और हाँ, बेस वाइट करने से ड्राइंग करने में आसानी भी होती है, इसलिए मैं बेस वाइट करती हूँ। एंड हाँ, इसको कलर करने के लिए मैंने वहाँ नीचे पे एक वाइट कलर का पेपर रख लिया ताकि मेरा टेबल ख़राब ना हो। फिर मैंने यहाँ पे आउटलाइनिंग दे दी ब्लू कलर की ताकि फिश को लगे कि वो समुद्र के अंदर है। जस्ट किडिंग गाइस, मैं बहुत बकवास करती हूँ कभी कभी। फिर उसके बाद मैंने बैकग्राउंड में स्कारलेट रेड कलर कर दिया। मुझे लगा कि बैकग्राउंड में थोड़ा शाइन देगा। उसके बाद मैंने फिश को येलो कलर से कर दिया ताकि वो एक तरह से हाईलाइट हो जाए वहाँ पे। एक्चुअली मुझे रेड के ऊपर येलो कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। आपका मन, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं किसी कॉम्बिनेशन के साथ। इस विश को देख के ना मुझे मेरे बचपन की मूवी याद आ रही है, फाइंडिंग नीमो। आपने भी कभी अपने बचपन में ज़रूर देखी होगी, तो इसका नाम नीमो ही रख देते हैं। गाइस, बचपन में आपने भी बहुत सारे फिश बनाए होंगे। क्लास वन में तो हमेशा ऐसा होता था, एफ लिखाया जाता था और उसके बगल में फिश बनवाया जाता था। बचपन की यादें। फिर मैंने यहाँ पे एक फ्लावर बनाया। बचपन में हम लोग बहुत लोटस और ट्यूलिप बनाते थे। मुझे तो लगता था ट्यूलिप और लोटस एक ही जैसे देखते हैं बचपन के, दोनों का ड्राइंग भी एक जैसा होता था। तो यहाँ पे मैंने कुछ मिक्स कॉम्बो का, दोनों के बीच का कुछ बनाया है फ्लावर। एक्चुअली मुझे यहाँ लोटस बनाना था, सीरियसली बोलूँ तो, पर पिंक कलर अच्छा नहीं लगता रेड के ऊपर, तो फिर मैंने दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन बना दिया। तो इस तरह से कुछ न्यू इनोवेटिव सा फ्लावर आपके सामने है। एक बात बताऊँ, जब भी मैं ड्राइंग करती हूँ मुझे पता ही नहीं होता है उसका आउटकम क्या होगा। मैं तो बस बनाते जाती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा क्या बन जाता है।
मैं स्टार्टिंग में कुछ और सोचती हूँ कि मैं वैसा कुछ बनाऊंगी, लेकिन बनाते बनाते वो कुछ और ही बन जाता है। मेरे साथ तो ये हमेशा का है। आज भी मैंने सोचा कि मैं किसी फॉर्म ऑफ आर्ट को बनाऊंगी और ये तो कुछ मिक्सचर ही बन गया। पर मुझे अच्छा लगता है जो भी बने। यार मैंने वाइट से आउटलाइनिंग इसलिए कर दी क्योंकि वो थोड़ा हाईलाइट हो जाए, बहुत अच्छे से ब्राइट होके वहाँ पे दिखाई दे। मैं पहले सोची थी यहाँ ब्लैक कलर का आउटलाइनिंग डायरेक्ट दे दूँ, फिर ब्लैक डायरेक्ट रेड कलर पे नहीं दिख रहा था तो फिर मैंने वाइट से पहले आउटलाइनिंग दे दी कि चलो पहले देखती हूँ कैसा लग रहा है। अब वापस से नीमो पे ड्राइंग करते। मूवी तो बड़ी प्यारी थी नीमो की, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी वो मूवी। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखें। अगली बार जब भी मैं नीमो को फिर से बनाऊंगी, उसके भाई बहन या फिर कोई उसकी दोस्त को ज़रूर बनाऊंगी। बेचारा कब तक समुद्र में अकेले रहेगा, उसको भी तो दोस्त चाहिए होते हैं जैसे हमें चाहिए होते हैं। जैसे मेरी और आपकी बॉन्डिंग हो रही है, हम भी तो अच्छे दोस्त बन रहे हैं ना, भले वर्चुअली पर अच्छे दोस्त तो बन रहे हैं। यहाँ मैं नीमो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ भी उस पर कर रही थी। पहले लाइनिंग किया, मधुबनी आर्ट किया, मिथिला आर्ट किया, जो मुझे लग रहा है वो मैं करते जा रही थी अपने मन से। एंड हियर इज द फाइनल लुक। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज डू शेयर विथ मी। एंड नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं अगली बार उसी पे वीडियो बनाऊंगी। एंड हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टाइम टू से बाय बाय।